हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भाई। आज हमारी कावड़ यात्रा का है 37वां दिन भाई। जो नए बंदे जुड़े हैं उनको बता दूं कि भाई गौमुख गंगोत्री से रामेश्वरम जो कि 3500 किलोमीटर की यात्रा है भाई। पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर हरियाणा, मेरे गांव में जल चढ़ाया, फिर सालासर आया और फिर राजस्थान क्रॉस करते हुए मध्य प्रदेश क्रॉस किया। आज अब महाराष्ट्र में एंट्री, मतलब कल शाम को होगी थी, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर पे ही है, मानो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं भाई। अब नहा धो के कावड़ की आरती करके और कावड़ उठा ली है भाई, अब चलेंगे आगे के लिए। अब महाराष्ट्र क्रॉस करना है, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। अभी बहुत लंबी यात्रा है भाई, तो आप भी बने रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय बजरंगबली, कैसे हो सब और यात्रा कैसी लग रही है भाई, और कौन कौन पूरी वीडियोस देख रहा है ये, अगर आपने ये लाइन सुनी होगी तो कमेंट जरूर करिए कि कौन कौन पूरी वीडियोस देखता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पुल के ऊपर चल रहा हूँ, देखो फसल नीचे, सुपर व्यू दिखाई दे रहा है। पुल के नीचे से कम ही जाता हूँ भाई, क्या पता कौन सा किस तरह का इलाका हो, और दूर से दिखाई दे ताकि इतनी भीड़ होगी पुल के नीचे भाई, तो इससे अच्छा पुल के ऊपर से निकल लेता हूँ भाई अपनी सेफ्टी के लिए। लो भाई, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है कल वाला, तो रात ना बारिश में फंस रहे थे, देखो धूप। वैगुन कर दे भाई, भगवान की माया, कितने धूप कितने छाया, तो भाई वो काम है। खतरनाक वाली धूप, कितने बजे, 7:15 हुए है, 7:15 बजे देख लो, इतनी तेज़ धूप है और रात ने इतनी बारिश और ठंडी हवाएं। मध्य प्रदेश क्रॉस कर लिया, मतलब भारत का जो बीच था वो क्रॉस कर लिया भाई। कि महाराष्ट्र क्रॉस करने के बाद थोड़ा यूँ लग रहा कि हाँ अब आगे फिर कर्नाटक क्रॉस कर दे लास्ट भाई। इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़बरदस्त है, पूछिए हम। शाम को बारिश आके ठंड आ जाती है, दोपहर को ठंड चाहिए। जब भोलेनाथ ले रहे हैं पेपर, परीक्षा मतलब शुद्ध हिंदी पेपर, एग्ज़ाम चल रहा है भाई। लगभग आधा सफ़र हो चुका भाई, आधा सफ़र अपना हो चुका। जय भोलेनाथ। लो भाई, केले के खेत स्टार्ट हो चुके हैं, अब शायद लास्ट तक रहेंगे भाई ये, बिल्कुल लास्ट तक। केले की खेती महाराष्ट्र से स्टार्ट हो जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इस साइड बहुत होती है भाई। खाना भी इनके पत्तों पे ही देते हैं। ले भाई, सावल दे रहता है इतनी, और ये देखो पहलों को कलर का रखा है भाई, इनके सींग होते हैं, किसी को नीला कलर का रखा है, किसी के सींगों को लाल कलर का रखा है, और धूप में बांध रखे हैं भाई, इतनी ज़्यादा धूप है। ले भाई, हम पहुंच गए तापी नदी, जो बारिश में चलती है और बहुत ज़्यादा उफान पे थी भाई, बारिश आई थी। ये खेती भी कर रखी है इसके इलाके में, अब शांत है भाई, क्योंकि बारिश का मौसम चलता है जब ही ऊपर आ जाती है भाई। इसका बहाव बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी, देखो पुल कहाँ तक है। पिछले 4-5 दिन बारिश हुई थी भाई, देखो यहाँ तक पानी आ गया था। तापी नदी देखो, ये दिखाई दे रहे हैं भाई, पेड़ पूड़ सब बह गए थे, ऊपर तक पानी चढ़ गया था, वहाँ भी निशान बने हुए हैं भाई। बहुत बड़ी नदी है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भाई। टाइम हो गए 12:15 भाई, 12:15 बजे रुके हैं भाई, अब खाना खाने के लिए यहाँ पे, कौन सा, बीकानेर होटल है ना, बीकानेर होटल, नाम भाई अपना सुरेंद्र गिरी भाई, जो राजू भाई थे गोस्वामी, उनके ही मतलब राजस्थान से है ना, राजस्थान से भाई यहाँ पे रुके हैं। ये है, महाराष्ट्र में एंट्री होगी थी कल शाम को हमारी भाई, और अब खाना पीना करके और फिर निकलेंगे आगे के लिए। अपनी सेव भाजी भाई, रोटी और अपनी दही, आज सेव भाजी ले लिया भाई, वो बिना लहसुन प्याज की।
खा के चलते हुए आधा पौना घंटा हुआ, लेकिन प्यास इतनी ज़ोर से लगी, आधा पौना घंटा की भाई ज़्यादा ही हो गया, एक घंटा पाँच मिनट प्यास इतनी ज़ोर से लगी है। टिंकू के पास कॉल करूँगा, भाई आ जा पानी पुनी लेके। गर्मी थी, अब छाँव होते ही मैंने छतरी बंद करी है क्योंकि ट्रक की हवा से बार बार उड़ रही थी, और गोप्रो निकाला भाई, बहुत तेज़ गर्मी थी बहुत, क्योंकि देखो बारिश आई हुई है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है बहुत तेज। लो भाई चक्कर तो आ नहीं रहे, और कुछ बाकी बचानी है, इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ हुमस है। और टिंकू अब पहुँचा है भाई, और आ सामने पुल पे मिला था, दो घंटे से पानी नहीं पिया भाई, दो घंटे से, और खाना खाने से पहले नहीं पिया था, तीन चार घंटे से पानी की बूंद तक नहीं पी है, खतरनाक काम है भाई। जय भोलेनाथ। ले भाई अभी बैठे हैं चाय पीने के लिए, वारकरी चाय, देखो क्या लिख रखा है, वारकरी चाह एक द पियोन तरपाहा, मतलब आप एक बार पियोगे चाय को तो बार बार पीने का मन करेगा, यही है ना, हाँ मतलब ऐसा लिख रखा है भाई, मतलब हिंदी से लैंग्वेज चेंज हो चुकी है महाराष्ट्र। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? मराठी ना, हाँ ये मराठी भी, मराठी तो कुछ कुछ हिंदी से मिलती है भाई, पढ़ा जा सकेगा। इन कर्नाटक में एंट्री के बाद, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ नहीं समझ आने वाला। अभी पियेंगे अपनी चाय, दोबारा से लाइन देखो भाई, वारकरी चाह एक दा पियोन तरपाहा। ले भाई ये ट्रक वाले भाई है, ये MP से भाई, जय भोलेनाथ, पहले भी पी के गए हो गया यहाँ? अच्छा देखो भाई, भाई बोल रहा है कि हमेशा रुकता हूँ, हम तो पहली बार रुके भाई, पसीना देखो भाई, बुरा हाल हो गया आज, गर्मी हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, MP में तो नहीं थी, MP में तो बारिश थी, ठंड थी बल्कि, अभी बारिश उधर अभी खुला है, हाँ जय भोलेनाथ। लो भाई सोन पापड़ी, ये ग्रीन डॉट मतलब प्योर वेज है भाई, ये सोन पापड़ी है, अभी खोलेंगे और फेंकेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव भाई। टाइम हो चुका है 7:07 हैं भाई, आज 7 रुक गए हैं, और यहाँ पे अपना सोने का खाट पे सो नहीं सकता तो इस पे सोऊंगा, ये भाई कर रहे हैं रेडी। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई। मच्छर हैं खतरनाक वाले, जुराबे डालिए भाई, अब इतने खतरनाक मच्छर है, पूछो मत, खाट पे मेरे को सोना नहीं, तो एक प्लास्टिक की टेबल लगवाइए भाई साइड, खतरनाक मच्छर है भाई, खतरनाक वाले, 5 में तो यूँ उड़ा दिया सब कुछ। ये भोलेनाथ, खाना खा के अब सो जाएंगे। लो भाई अपनी रोटी और भिंडी की सब्जी, आज भी खा जाते हैं, अरे देखो घी तो पेसल कितना घी भाई। कल पहुँच जाओगा शेरा, मतलब निको, वो पहुँच रहे हैं दूल्हे, तो वे लगभग 450 पीछे है भाई, तो अपनी लस्सी आ जाएगी, खा पी के फिर सो आए भाई, अपनी मीठी लस्सी, गजब गाड़ी, मज़ेदार ये होटल है भाई।